हेलो दोस्तों जी, मैं भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश भूगोल की श्रृंखला में हम पुनः एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आज का जो वीडियो है यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार एवं मरुस्थल। आज का जो टॉपिक है यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार एवं मरुस्थल। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मरुस्थल हैं और मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मैप में देख लेते हैं इनकी स्थिति क्या है, कहाँ ये स्थित है मैप में और इनकी विशेषता क्या है तो आइए बिना समय गाए हुए टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं पहले गिब्सन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल यह डिसअपॉइंटमेंट झील के दक्षिणी भाग में स्थित है। यदि हम गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप में अगर हम समझें तो ये कहाँ स्थित है, यह मैप में कहाँ स्थित है गिब्सन का मरुस्थल। यदि हम गिब्सन का मरुस्थल की बात करें तो गिब्सन का मरुस्थल एकदम जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर मैप देख रहे हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। और जस्ट इसके बगल में है यह डिसअपॉइंटमेंट झील है, और डिसअपॉइंटमेंट झील के दक्षिण भाग में जो है यह गिब्सन का मरुस्थल है। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक प्रमुख मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक प्रमुख मरुस्थल है और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यदि हम जो है मरुस्थलिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है ये ज़्यादातर क्या है, ये मरुस्थली क्षेत्र है, जबकि अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि वाला जो क्षेत्र है ये इधर होता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है ये कृषि होती है, लेकिन इधर वाला जो बेल्ट है ये ज़्यादातर क्या है, ये मरुस्थली है। तो गिब्सन का मरुस्थल जो है यह डिसअपॉइंटमेंट झील के जो है यह दक्षिण में स्थित है और इन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अगला कौन सा मरुस्थल है? तो अगला मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल और यह कैनिंग बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह जो है कैनिंग बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह जो है कैनिंग बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है यह कैनिंग बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है और यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक मरुभूमि है। यदि हम ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये जो गिब्सन मरुस्थल है गिब्सन के उत्तर में जो है ये ग्रेट सैंडी का मरुस्थल स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया झील, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। यदि हम विक्टोरिया की बात करें तो विश्व में विक्टोरिया नदी भी है, विक्टोरिया मरुस्थल भी है, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, विक्टोरिया नदी कहाँ स्थित है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है और विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है। यदि विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यदि विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और यह विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मरुस्थल
तो यह जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गर्म और शुष्क मरुस्थल है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह गर्म एक एक जो है गर्म और शुष्क मरुस्थल है विक्टोरिया। इसके बाद है सिम्पसन मरुस्थल। अगला कौन सा मरुस्थल है? तो अगला है सिम्पसन मरुस्थल। अगला कौन सा मरुस्थल है? सिम्पसन मरुस्थल। यह प्राकृतिक गैस से युक्त, यह मरुस्थल जो है किस गैस से भरपूर है, किस गैस से युक्त है? तो यह प्राकृतिक गैस से युक्त है और यह मध्य ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग के पूर्वी भाग में स्थित एक मरुभूमि है। यह एलिस स्प्रिंग के पूर्वी भाग में स्थित एक मरुभूमि है सिम्पसन मरुस्थल। यदि हम सिम्पसन मरुस्थल की बात करें, सिम्पसन मरुस्थल, तो सिम्पसन मरुस्थल जो है यह सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग के पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद है स्टुअर्ट मरुस्थल। अगला कौन सा मरुस्थल है? तो अगला है स्टुअर्ट मरुस्थल और यह न्यू साउथ वेल्स व क्वींसलैंड की सीमा पर स्थित है। स्टुअर्ट मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के मध्य स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है, ये जो है यह स्टुअर्ट मरुस्थल है, स्टुअर्ट मरुस्थल है और यह न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के मध्य स्थित है। यह न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के मध्य स्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। यह एक जो है उष्ण मरुस्थल है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मध्य स्थित है। यह जो है मरुस्थल स्टुअर्ट मरुस्थल क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मध्य स्थित है और यह एक उष्ण मरुस्थल है। यह किस प्रकार का मरुस्थल है? तो यह एक उष्ण मरुस्थल है। अगला है किम्बरले का पठार। यदि हम किम्बरले की बात करें तो किम्बरले की खान भी है और किम्बरले का पठार भी है। यदि हम किम्बरले की खान की बात करें तो किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह जो है हीरे की खान है। किम्बरले की खान हीरे की खान है, जबकि किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? तो किम्बरले का जो पठार है ये उत्तर पश्चिमी स्थित है। किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह सोने व हीरे के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जो है किम्बरले का पठार उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह सोने और हीरे के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किम्बरले का पठार जो होता है, पठारों को जो है खनिजों का हृदय कहा जाता है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़ करके विश्व के जो सभी खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पठारों में ही पाए जाते हैं। विश्व के सभी खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पठारों में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसी आधार पर पठारों को हृदय स्थल कहा गया है। पठारों को जो है खनिजों का हृदय स्थल कहा गया है। तो किम्बरले का पठार जो है ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित होने के साथ साथ यह सोने एवं हीरे के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किम्बरले का पठार सोने और हीरे के भंडार के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला है तनामी मरुस्थल। अगला कौन सा मरुस्थल है? तो अगला है तनामी मरुस्थल और तनामी मरुस्थल जो है यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यदि हम तनामी मरुस्थल की बात करें तो तनामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तनामी मरुस्थल जो है यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अगर हम यहाँ बात करें तनामी मरुस्थल की, तो यह कहाँ स्थित है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी का मरुस्थल यहीं है, मान लीजिए तनामी का मरुस्थल यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तनामी का मरुस्थल। और अगला है डुआम्बा का पठार। अगला कौन सा पठार है? तो अगला है डुआम्बा का पठार और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी डुआम्बा का पठार यहीं है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है डुआम्बा का पठार? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है यह डुआम्बा का पठार यहीं पे स्थित है डुआम्बा का पठार। और यार इधर बात करें तो यहीं पे स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहीं पे स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस तरह से जो है हमने देखा गिब्सन का मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन क्या है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल को हमने देखा, विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल को देखा हमने, सिम्पसन मरुस्थल को देखा, स्टुअर्ट मरुस्थल को देखा, इसके बाद किम्बरले का पठार देखा, इसके बाद टुआम्बा का पठार देखा और तनामी मरुस्थल देखा। इस तरह से जो है हमने पूरे पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से जो है कवर किया और
कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा लगभग लगभग। तो इस तरह से जो है आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।